नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं मनचाहा प्यार का वशीकरण करने का तरीका। 2 घंटे में मनचाहा प्यार आपसे बात करने लगेगा। आज मैं बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शक्तिशाली मन चाह प्यार को पाने के लिए एक ऐसी वशीकरण टोटके बताने जा रहा हूं। ये इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल टोटके है, जो इस टोटके को करेंगे आपको 2 घंटे के अंदर में मन चाह प्यार आपके कदमों में आकर के गिरेगा। आपके कदमों में आकर के गिर करके आपसे जीवन भर आपका गुलाबी करेगा और आपके आगे पीछे घूमते रहेगा। आखिर वो कौन सा टोटका है, इस टोटके को कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ताकि आपका मन चाह प्यार आपके मुट्ठी में हो और आपके लिए वो दीवाना बन करके रहे। तो आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा से आपका जोड़ी जो है सही सलामत बना रहे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माता कामाख्या से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज जो मैं टोटके बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल आसान तरीका है। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई चीज की आपको नियम कानून की जरूरत नहीं है और न कोई आपको नहाने की आवश्यकता है, न पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। बस ये टोटका इतनी शक्तिशाली है, छोटा सा टोटका लेकिन बहुत ही शक्तिशाली टोटका है। लेकिन टोटका को करने का समय होती है रात को 11 बजे के बाद। जब भी कोई टोटका किया जाता है रात को 11 बजे के बाद से लेकर के सूर्य उदय के पहले तक आप इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि रात के समय में शोरगुल नहीं होती है, प्रकृति की वातावरण पूरी तरह से शांत हो जाती है। उस समय में नकारात्मक शक्तियों की बास होती है। उस समय नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति दोनों शक्तियां जो है प्रकृति के अंदर में धरती के ऊपर में मंडराती रहती है। तो उस समय में अगर इस टोटका को जिस मन का भावना को रखते हुए अगर आप कर लेते हैं तो आपको वो टोटका एकदम बिल्कुल सफल होगा और आप जो चाहिएगा सो टोटका के माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि 2 घंटे के अंदर में ही आप अपने प्यार को कैसे पा सकते हैं, मन चाह प्यार को बस में कैसे कर सकते हैं, उसे आप बसीभूत कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए और आप हमारे तंत्र मंत्र टोने टोटके को आप देख सकते हैं, उससे आप अपना सफलता को पा सकते हैं। आज जो भी मैं टोटके बताता हूं उस टोटके को अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफल होगी। और मैं जो भी टोटके बताता हूं पूरी तरह से उसको जांच पड़ताल करके प्रयोग किया हुआ टोटका को मैं आपको बताता हूं। आप इसको विश्वास के साथ करें। अगर आपका ये काम नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स पर जानकारी जरूर दे। तो मित्रों चलिए मैं बताया यार उसको क्या करना है। आपको एकदम छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूं। इसको शुक्रवार के दिन में रात को 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद में आपको करना है। करना क्या है, आपको लेना होगा एक लाल रंग का मार्कर कलम या लाल रंग का जेल कलम आपको लेना है। लेकर के आप अपने बाएं हाथ में, आप अपने बाएं हाथ के ऊपर में आप तलवे में जो बाएं हाथ का जो ऊपर है उसमें जो है आपको उस प्यार का नाम, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप एक स्त्री है तो पुरुष के लिए भी कर सकती है, अगर आप एक पुरुष है तो स्त्री के लिए भी आप कर सकते हैं। तो बाएं हाथ में उस प्यार का आपको नाम लिखना है लाल रंग का कलम से, लाल स्याही से आपको उसका नाम लिख करके उसके ऊपर में 7 पीस इलायची और 7 पीस लौंग को रख करके बीच हथेली में रख करके और हाथ में को कस करके मुट्ठी बांध करके आपको उस प्यार पर ध्यान लगाना है जिसको आप बसीभूत करना चाहते हैं। और उतना देर तक आपको ध्यान लगा के रखना है जब तक आपके हाथ में पसीना ना आ जाए, जब तक आपके हथेली के मुट्ठी में
पसीना से लौंग और आपको इलायची जब तक ना भींग जाए तब तक आपको मुट्ठी में रखना है। उसके जब पसीना भींग जाएगा तब आपको क्या करना, लौंग और इलायची को लेकर के आपको लाल रंग के कपड़े में उसको बांध दीजिएगा और बांध करके उसकी पोटली बना करके सिर के नीचे रख करके आप सो जाइएगा। उसके बाद सुबह सुबह बहता हुआ पानी या बहता हुआ नहर या बहता हुआ नदी जहां भी आपको दिखाई दे वहां पर ले जाकर के उस प्यार का नाम लेकर के 7 बार उसको आप प्रवाह कर दीजिएगा, विसर्जित कर दीजिएगा। बस इतना क्रिया करिएगा 2 घंटे के अंदर में उस प्यार जो है आपके बिना नहीं रह पाएगा, आपसे मिलने के लिए तड़पेगा, आपसे मिलने के लिए तरसेगा। यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी टोटके मैं बताया हूं, इसे आप जरूर प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।